ये भी गोबर का ही बना हुआ है। हाँ जी, गोबर का। गणेश जी की मूर्ति है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी गोबर की ही बनाई हुई है। अरे भैया, ये रास्ते में से गोबर कहाँ उठा रहे हो आप? अरे भैया, जो गोबर उठा के काम बनाएंगे उसको, गोबर नहीं है, सोना है ये। गोबर कहाँ सोना होता है, तो गोबर ही तो है, इसमें क्या सोना है? भाई साहब, ये गोबर कब से उठा रहे हैं आप? गोबर में 10 साल से उठा रहा हूँ भैया, पूरा रास्ते में से। हाँ, रास्ते और सोना कैसे है? ये सोना कैसे हो सकता है? गोबर तो गोबर ही रहेगा ना। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे बनेगा। अच्छा, ये गोपाल जी, ये तो उपले हैं, इनको तो कोई भी बना देता, गांव में हर औरत बनाती है इनको, तो हमारे आप बनाते हैं, वो केवल उसको जलाते हैं। यहाँ इन्हीं उपलों से सामान बनाएंगे, दिखाएंगे अभी, आप देखिए आप जरा। अच्छा, उपले लेके आए? हाँ, ये उपले लिए हैं आप? ठीक है, उपले लेके आए। हाँ, ओके, देखिए इन्हीं से काम होगा अभी जाके, जो है करिए। क्या काम करेंगे? आपको लगता है ना, देखिए जी, जो उपला लाया सूखा हुआ, इसी को देखो घिसा जाएगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा फिनिशिंग की जाएगी। हाँ, इसको घिसा जाएगा, देखिए घिस रहे। हाँ, फिनिशिंग हो गया बिल्कुल। अब देखिए इसको है ना, हम एक वो बनाएंगे, इसका मोमेंटो बनाएंगे। कटिंग कर लिया आपने, ये बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद अगला स्टेप दिखाइए। पीली मिट्टी रहती है, पीली मिट्टी डालते हैं इसके अंदर। ओके, और इसके अंदर देखिए जैसे जैसे लेप कर देंगे। आप पूछ रहे थे चिकनाई कैसे आती है? हाँ हाँ, ये यहाँ चिकनाई इस पे आ जाएगी, देखिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको चिपकाते किस तरीके से है फिर दोनों को, जो ये बेस होता है और ये ऊपर वाला जो होता है? बेस होता है इसके लिए अपने, उसको वो कर देते हैं इसमें कील, कील लगाए। अच्छा, कील से जो है इसको ठोक सकते हैं। और इस साइड में भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्होंने सुखाने के लिए रखे हुए हैं। दोस्तों, फिनिशिंग होने के बाद और सूखने के बाद जो ये पीछे रखे हुए हैं, कुछ ये जो है प्रोडक्ट इस तरीके से नजर आता है। उसके बाद फिलहाल ये जो दीवार घड़ी होती है वो बना रहे हैं, उसका डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन बनने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरीके से नजर आता है। बीच वाला जो हिस्सा है, ये एक मिरर लगा हुआ है, इन्होंने इस पे मिरर चिपका रखा है। डिजाइन बनने के बाद ये जो है इसको पूरा दीवार घड़ी इसकी सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बाहर से इन्होंने, ये तो बाहर से आता होगा। हाँ जी, हाँ जी। मटेरियल आपके पास, रो मटेरियल एक तरीके से, इसको इसमें ये सेट करेंगे, ये मशीन लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये सुई है जो हमें समय बताती है एक्चुअली, ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसमें लग जाएगा। अच्छा गोपाल जी, ये फाइनल प्रोडक्ट रखे हुए हैं हमारे पास। अच्छा, जो अभी हम दीवार घड़ी बना रहे थे वो ये है ना? वो दीवार घड़ी ये है। हाँ, ये देखिए अलग डिजाइन इसमें बनाया हुआ है और फाइनल ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। यहाँ तो तमाम तरह के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, दीवार घड़ी और अलग तरह की भी रखी हुई है, सब गोबर से बनी हुई है। थोड़ा सा भी इनके बारे में बताइए, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये? जैसे इधर भी मैं देख पा रहा हूँ, कुछ माला भी है, शुभ लाभ ये भी लिखा हुआ है, ये बताइए थोड़ा सा इनके बारे में। ये भी ना गोबर का है, गाय के गोबर का है। जी जी, और इसमें तुलसी जी की भी माला है इसके अंदर। जी जी जी, तुलसी जी की माला लगती है, 108 मूर्ती है इसके अंदर। हाँ हाँ, जप करने की, जप करने की, जप कर सकते हैं इसके अंदर। इधर देखिए दोस्तों, एक ओम है, कटिंग करके शेप देके हाथ से ही पूरी कारीगरी की गई है और गोबर का इसमें पूरा इस्तेमाल किया गया है। इधर छोटे से गणेश जी भी हमारे रखे हुए हैं, गणपति जी, शुभ लाभ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े गणपति जी हैं। सब कुछ गोबर का यहाँ पर बनाया हुआ है। कार्ड होल्डर है और ये मे बी फोन होल्डर हो सकता है ये। जी जी जी, और ये देखिए मल्टीपर्पज बॉक्स भी है, एक डब्बा ही बनाया है। ये देख क्या खूबसूरत लग रहा है इसको, मैं पहले ये देखेगा, और अगर इसको हम उठाएं, ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से ये नजर आता है। ठीक है, ये हो गया। 10 रुपए का देखिए, जो हमारे दीपक हैं ये। अच्छा, दीवे भी बनाते हैं आप? देखिए दिए, देखिए आप देखिए इसको, ये गोबर के दीवे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। 10 रुपए से इसकी शुरुआत हो जाती है और हाईएस्ट रेंज किस चीज की पहुंच जाती है, कहां तक? हमारा 10 रुपए से स्टार्ट होता है जी, और 10 रुपए से स्टार्ट होने के बाद में ये हम लोग 1000 रुपए तक प्रोडक्ट बनते हैं। 1000 रुपए का क्या होता है वो? 1000 रुपए का देखिए, जो हमारा सीनरी होती है, जो आपने देखा है, सब सारी सीनरी होती है जो। अच्छा अच्छा, है ना, ये घड़ियां देख रहे हैं। ये घड़िया का क्या रेंज होगी? घड़ियां लेंगे 800-1000 रुपए, 800-1000 रुपए। और इस वाले की सर? ये 500 रुपए का है। 500 रुपए का है, ठीक है। ये सब गोबर से सब और बहुत मेहनत करके बनाया जाता है दोस्तों। इस काम की शुरुआत कैसे हुई आपके मन में, ये कि भाई गोबर से मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक अलग विचार है, हर कोई आदमी ये विचार नहीं कर पाता, ये विचार आपके मन में किस तरीके से आया? देखिए कहता कि मेरे पिताजी जी दिसंबर में 2009 में सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहे थे। अच्छा, और बाजार जा रहे थे तो बाजार में उनको एक निराश्रित गौवंश आया, जो लोग छोड़ देते हैं, उस गाय ने किसी ने भगा तो उस गाय ने उनको पटक दिया। अच्छा, और पटकने के बाद में उनकी स्वर्गवास हो गया, मतलब वहीं पे। हाँ, वहाँ पर मतलब चोटिल हुए, चोटिल हुए, चोटिल हुए, चोटिल, मतलब चोटिल होने के बाद उनका इलाज, उसको उनका स्वर्गवास हो गया। जी जी जी, जिसकी गाय थी उसके पास हम लोग गए कि भाई आपकी गाय ने हमारे पिताजी को पटक दिया है, उनका स्वर्गवास हो गया। जी, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये गाय मैंने इसलिए छोड़ रखी कि मेरे पहले दूध देती थी, तब तो मैंने इसको बांधा, अब मेरे लिए किसी की अनुपयोगी है जी, अब मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दी, मैं इसको चारा कहाँ से खिलाऊंगा मैं। जी जी जी, और आज भी अधिकतर लोग यही काम करते हैं, जब तक दूध देती है जब तक पालते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। और ऐसी गाय ने कई सारे लोगों को पटका, बहुत बिल्कुल, कई सारे लोगों को पटकती है, आए दिन दुर्घटना होती है। बिल्कुल, तो मेरे मन में विचार आया कि एकदम अचानक से विचार आया कि गाय दूध दे रही, तब तक लोग उसको रख रहे हैं, गौ माता है जी, उसका उसको लोगों ने छोड़ दिया,
तो वो स्थिति पैदा है। तो मैंने विचारा है कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि लोगों को एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि गाय का गोबर भी महत्वपूर्ण है, उसका मूत्र भी महत्वपूर्ण है। भले ही गाय दूध नहीं दे रही है तब भी महत्वपूर्ण है। गोबर और गौमूत्र से व्यक्ति अपना काम कर सकता है, ये सामान कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। तब मैंने यहाँ पर इसको बहुत सारी चीज़ों में मैंने अध्ययन किया, रिसर्च किया और फिर मैंने यहाँ के गोबर को मैंने सर समेट के बनाना शुरू किया। शुरुआत में जब मैं गोबर समेटता था तो लोग हंसते थे, कहते पागल हो गया ये व्यक्ति, ये गोबर समेटता फिर रहा है, उनको पता नहीं था इस चीज़ का। यहाँ तक कि लोग मेरे को चप्पल मार देते थे। क्या बात कर रहे हैं? लोग ने चप्पल मार दी, ऊपर से ठंडा ठंडा पानी फेंक देते मेरे ऊपर जाके ये करते थे। लेकिन मैंने उसी गोबर का लोगों से कहा कि उसी गोबर का मैं सामान इस तरह का मैंने बनाना शुरुआत किया। जी जी। बना के लोगों को देता था, पहले फ्री देता था जी। तो फ्री देने के बाद में यहाँ पे तत्कालीन आईएएस थे, नगर निगम कमिश्नर, उन्होंने कहा आप ये फ्री किसी को नहीं देंगे, अपनी मेहनत से बनाते हैं, इसको पैसे से देंगे, क्योंकि इसमें आप पूरा रंग लगाते, पूरी मेहनत लगाती, तब इसका मतलब समझाएंगे। फिर मैंने इसको धीरे धीरे, उन्होंने मेरे को मेले में हाट में मेरे को बाजार दिया, दुकान दी, मैंने वहाँ लोगों को बेचना शुरू किया यहाँ पे जाके। और उस पैसे से जो बिकता था, उस पैसे जो आता था खसन निकाल के, वो गोवंश था उसके लिए चारे की व्यवस्था। आज भी निराश्रित गोवंश से जो बूढ़ी पुरानी गाय हो गई है, बीमार हो गई है, है ना, उठ नहीं पा रहे, उनके चारे की व्यवस्था करते हैं। आज भी प्रतिदिन यही नियम रहता है, जो बिकता है सिर्फ उसका प्रतिशत उन गाँव माता के लिए चारे की व्यवस्था जाता है। जी जी। वो काम करते हैं, बहुत आज भी काम होता है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। लोग आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? क्या अगर जैसे आप ग्वालियर में हैं, हाँ जी, ग्वालियर से बाहर भी कुछ लोग अगर किसी को प्रोडक्ट की जरूरत है आपके, क्या वो ले सकते हैं? ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और उसमें संपर्क कर सकते हैं जी। ये मेरा कामदार इंटरप्राइजेज है, इस पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये मोबाइल नंबर है, इस पे संपर्क किया जा सकता है, इस पे नंबर संपर्क किया जा सकता है जी। और कुछ लोग जैसे ट्रेडिंग चाहते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जी जी, हमारे को प्रोडक्ट की आवश्यकता है, हम अपनी गौशाला में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या अपने महिलाएं अपने स्वावलंबन करना चाहती हैं, हमको एक स्वरोजगार की तरह जानी है, क्योंकि जब भी आत्मनिर्भर भारत है बिल्कुल। इस बार हमने दिवाली पर भी जो बाहर से दिए आते थे, चाइना वाले आते थे दिए, और भी कहीं से आते थे, प्लास्टिक मोमेंट हमने खत्म कर दिए, पूरे गोबर के दिए ही बनाए हमने सारे धार्मिक कार्यक्रमों में। आज भी भागवत कथा हो, वो कथा हो, उनमें सारे में दीपक जाता है जी। और दिवाली पर जितना भी आइटम सजावट का सामान होता है, डेकोरेशन, वो सारा हम गोबर का बनाते हैं। बहुत बढ़िया, तो लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो आप मतलब कुरियर इसके इससे मतलब नंबर के संपर्क करके लोग आप कुरियर कर देंगे उनके वहाँ पर, कुरियर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से गोबर को भी प्रयोग में लाकर उससे लोग पैसा भी कमा सकते हैं और साथ ही जो गोवंश होता है उसकी भी रक्षा कर सकते हैं, उसकी भी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।